गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर एंड. सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम ट्रेनिंग मेथड्स. इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट. एंड इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी द मेथड्स, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज. सो लेट्स स्टार्ट. There are two kind of method. First method is on the job training and second method is off the job. अब इन दोनों में difference क्या है? On the job मतलब जब हम काम कर रहे हैं उसको सीधा हम अपने साथ production का काम सिखा रहे हैं, तो production में ले आएंगे और उसको वहीं पे काम, वो काम भी करता रहेगा, साथ साथ उसको हम guide करते रहेंगे, supervisor उसे बताता रहेगा ऐसे करो ऐसे मत करो, what are the precautions you need to do, मतलब necessary instructions उसको मिलते रहेंगे. तो वो जॉब भी हो रही है इसलिए उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब रियल सिनेरियो में वो जाता है और काम करता है और साथ साथ उसे ट्रेनिंग मिल जाती है. बट हेयर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो ये सेकंड वाला है, ऑफ द जॉब के अंदर जस्ट इसका अपोजिट है. इसमें हम उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को, ट्रेनी को, जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको ट्रेनी बोलेंगे, ट्रेनी को बिल्कुल अलग रखेंगे, रियल सिनेरियो में नहीं लेके जाएंगे. या तो उसके लिए ऐसा ही एक डमी सिनेरियो क्रिएट कर देंगे और वो वहाँ पे अब उसको ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा देन ही विल कम एंड जॉइन द कंपनी. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड अमंग द एम्प्लॉयज वाइल दे आर एंगेज्ड इन देयर वर्क. हियर एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग, काम करते करते सीखते हैं. इट इंक्लूड्स कैसे? जॉब रोटेशन. देखो ये जो वर्ड है जॉब रोटेशन का मतलब होता है, मान लीजिए अभी आप क्लर्क हैं इन एक, फॉर एग्जांपल ए पर्सन के अंदर, फिर आपको बी में डाल दिया जाएगा, बी का जो काम है वो थोड़ा अलग है. इस तरीके से जॉब आपके रोटेट होती रहेगी, आप बोर्डम भी फील नहीं करेंगे और जिसके पास जाके आप काम करेंगे, जिसके अंडर आप काम करेंगे, वो आपका ट्रेनिंग टाइम माना जाएगा. अप्रेंटिसशिप, ये मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में. कोचिंग, ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो आप समझ रहे हो. इसमें एक कोच होता है, जैसे स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि एक कोच होता है जो आपको बताता है कि ऐसे करिए वैसे करिए, क्रिकेट में ऐसे करिए. तो जो कोच होता है वो एवरी टाइम जो है आपके क्रिकेट टीम में रहता ही रहता है, बिकॉज वो गाइड करता है, वो नई नई चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देता है. कमेटी असाइनमेंट्स, इसमें एक कमेटी क्रिएट की जाती है और उस कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं और उनको कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं कि आपको ये काम कंप्लीट करना है. जब एट द एंड क्या होता है, जब वो ये काम कंप्लीट कर लेते हैं या कोई भी उन्हें एक्टिविटी दी जाती है या कोई भी केस स्टडी दी जाती है, जैसे अपना वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक ट्रेंड पीपल माने जाते हैं, क्योंकि उससे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो ये सारे ऑन द जॉब है जो रियल सिनेरियो में आपको मिलता है. कोचिंग हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, अप्रेंटिसशिप के बारे में आगे पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. एंड ये मैंने आपको बताई दिया कमेटी असाइनमेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है, पहले इसे पढ़ लीजिए. ये मोस्टली जो है आपके थोड़े जो लो लेवल की ट्रेनिंग होती है ना, मतलब मींस जिसका स्टैंडर्ड जॉब का थोड़ा ऐसा होता है, लाइक इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है. और आप देखोगे आपके घर में कभी भी इलेक्ट्रीशियन आता होगा तो एक तो होगा बॉस जो सारे काम करेगा और एक दूसरा बंदा उसके साथ होगा, उसको सामान पकड़ाएगा, ध्यान से देखता रहेगा. या अगर आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं लड़कियाँ, तो वहाँ पे कई लोग होते हैं, एक लेडी होती है जो सारे काम करती है, दूसरी उसे देख रही है. तो इस समय वो जो बंदा है जो देख रहा है वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में है कि वो देखते देखते सीखेगा. बंदा उसके सामने जो है काम करेगा और वो उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर धीरे धीरे उसको छोटा मोटा काम होगा तो उसको डेलीगेट कर देगा कि आप ये काम करिए. ठीक है, सो अब समझ में आ गया होगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. अभी जो ITI सुना होगा ना आपने, ITI जितने भी उसमें ये सब सिखाया जाता है, इलेक्ट्रीशियन का, ये प्लम्बर का, ये मतलब कई जो आपके काम होते हैं वो सब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर आते हैं. उसमें आपको काम भी सिखाया जाता है और फिर इसलिए तो कहते हैं ITI कर रहा है तो नौकरी लग जाएगी. ठीक है, सो लेट्स रीड.
अंडर दिस बोथ नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग अ जॉब आर इम्पॉर्टेंट. मतलब नॉलेज भी दी जाती है, स्किल्स भी. मतलब आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी मिलेगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी. ठीक है, हेयर द ट्रेनी इज पुट. यहाँ पे हम ट्रेनिंग को क्या करते हैं, पुट अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस फील्ड. एक्सपीरियंस बंदा के अंदर हम उसको डाल देते हैं. तो दिस मेथड इज मोर सुटेबल इन इलेक्ट्रिकल वर्क, माइनिंग या ऐसा कोई काम. अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल के बारे में, काम के बारे में बात कर रही हूं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोचिंग. ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता भी चुकी हूँ और आप पिक्चर देख के भी समझ गए होंगे. इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, अ सीनियर मैनेजर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज अ कोच. द कोच पीरियडिकली रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड बाय द ट्रेनीज एंड सजेस्ट चेंज इफ रिक्वायर्ड. उनका यही काम होता है कि वो ऑब्जर्व करते रहते हैं और जिसमें जो प्रॉब्लम है उसको फीडबैक देते रहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. राइट, नेक्स्ट है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम. आप अब आप बी कॉम करेंगे, एम कॉम करेंगे, कई बच्चे सी ए बनेंगे, कई बच्चे एम बी ए करेंगे. तो उसमें क्या होता है, आपको पहले क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है, पेपर वगैरह होते हैं आपके, और आपको बोला जाता है कि एक साल के लिए या दो साल के लिए या छः महीने के लिए आपको फलानी कंपनी में जाके ऐसा ट्रेनिंग काम करना है. तो वो थोड़ा आप देखो, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में ये डिफरेंस है. अप्रेंटिसशिप का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लो होता है, मतलब लो इन द सेंस लो लेवल मैनेजमेंट की जॉब के लिए, शॉप फ्लोर लेवल की, भाई वर्कर हो गया इस तरीके की. इंटर्नशिप में थोड़ा हाई लेवल हो जाता है जिसमें लोगों को प्रॉपर स्कूल में नॉलेज. अभी आपका ये चल रहा है ट्वेल्थ, अगर आपको चेंज हो जाए, आगे सीबीएसई बोले कि नहीं दो महीने के लिए बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भेज दीजिए, तो वो आपका इंटर्नशिप है. मैं इंटर्न के थ्रू काम कर रही हूँ ऐसे. ये चीज़ें ज़्यादातर डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, एमबीए स्टूडेंट्स हो गए, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इस इंटर्नशिप में आपको स्टिपेंड मतलब थोड़े से पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. आप इससे कोई मतलब नहीं कि आपका, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, MBBS कर रहा हूँ और मेरे को बस 5-10 हज़ार मिल रहे हैं, मतलब उसके लिए तो बहुत कम है. और अगर आप CA के अंडर काम करते हो तो CA तो आपको बस आने जाने का खर्चा भी दे देना, वो ही बहुत है. कई बार तो वो भी नहीं देते, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, आप अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहे हो, साथ में आपको रियल सिनेरियो की नॉलेज मिल रही है. सो लेट्स रीड अ वोकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर्स इन टू एन अरेंजमेंट. इंस्टीट्यूट ये एक अरेंजमेंट करता है क्या, विद बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज टू दी स्टूडेंट्स. इट इज इंटेंडेड फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू दी स्टूडेंट्स इन देयर फील्ड. एग्जाम्पल, MBA स्टूडेंट्स अंडरटेक प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस एंटरप्राइज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स. जब मैंने जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स किया है, तो जब मैंने जिस ईयर में मैंने किया था उसी साल BCom ऑनर्स का कोर्स बदल गया था, और उसके अंदर उन्होंने इंटर्नशिप ऐसा तक इंक्लूड नहीं की थी, उन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिए थे कि ये ऑप्शंस हैं, आपको ऐसा एक प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है. उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि अगर आप चाहो तो किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट या अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई काम करके वहाँ से सर्टिफिकेट ला के भी आप सबमिट कर सकते हो, वो भी आपका एक प्रोग्राम माना जाएगा. तो धीरे धीरे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो समहाउ, मतलब कई बार होता है बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं उन्हें करना क्या है, तो उसको बताने के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में डाल देती है. इसलिए जब हम ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उसमें इंटर्नशिप कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि जब हम जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो पर्सन सामने वाला यही पूछता है आपके पास एक्सपीरियंस कितना है. तो ये वाला एक्सपीरियंस, ये वाली इंटर्नशिप अगर अच्छी जगह से की है तो डेफिनेटली आपको काम करेगी और इंटरव्यू में आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे. जॉब रोटेशन, मैंने जैसे आपको बताया कि एक पर्टिकुलर पर्सन अभी इधर है, ये वाली जॉब पे है, इसको उठा के फिर यहाँ कर दिया, कभी यहाँ कर दिया, तो जॉब उसकी रोटेट होगी. वो ये जिसके अंदर ये काम करेगा उसकी नॉलेज इसे मिल जाएगी. तो ट्रेनी इज सिस्टमैटिकली शिफ्टेड टू वेरियस जॉब सो दैट ही कैन गेन द एक्सपीरियंस ऑन ईच ऑफ देम. हर जगह पे उसे हम शिफ्ट करें ताकि उसको हर फील्ड की क्या हो जाए, नॉलेज हो जाए. ऑन द जॉब के हमारे ये चार मेथड है, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन. ठीक है,
और ये जो दो मेथड है मेन अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी यही इंक्लूड है। ठीक है, इन दोनों में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। आपने अभी मेरे से सुना था तो आपको भी लग रहा होगा दोनों में लगभग एक ही बात है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। और लिखते समय भी जब आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, दोनों की डेफिनेशन सेम नहीं हो सकती या दोनों की एक्सप्लेनेशन कभी भी सेम नहीं हो सकती। लेट्स मूव टू अदर पॉइंट। अब हम बात करते हैं ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में मतलब जो पर्सन है वो रियल सिनेरियो में नहीं है, कहीं और बैठ के ट्रेनिंग ले रहा है, और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन ही विल ज्वाइन दी वर्क प्लेस। सो दिस इज कंसर्न विद इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू इम्प्लॉयज आउटसाइड द एक्चुअल वर्क प्लेस। एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं है, वो कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहा है। द इम्प्लॉयज कैन कंसंट्रेट ऑन ट्रेनिंग अलोन सिंस दे आर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। देखो कुछ भी कहो, वर्क प्लेस पे एक थोड़ा सा नॉइज होती है और नुकसान होने की ज़्यादा टेंशन होती है, तो ट्रेनी थोड़ा डरा डरा सा रहता है, अरे मेरे से ये गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये वाली ट्रेनिंग उस समय मैं बहुत उसके लिए सुटेबल रहेगी, क्योंकि उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा, आप आराम से बैठ के ट्रेनिंग लेके आओ, तो उसको ना वो थोड़ा हैसल फ्री रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी कि यहाँ पे मेरे से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ट्रेनिंग का तो ये मेथड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अब आप खुद सोचो, कोई वर्कर है उसको मुझे ट्रेनिंग देनी है, तो भाई वो तो ऑन द जॉब ही होगी, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से उसको कोई फायदा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ज्यादातर वो वर्कर वगैरह या जिनको रियल सिनेरियो में घुसाना है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है वो बिल्कुल एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, जिनका काम है सिर्फ सोचना, थिंक करना, प्रैक्टिकली उनको बड़ी बड़ी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है। तो उसमें क्या है, इस तरीके के जो लेक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये बंदा बहुत बड़ा एक्सपर्ट होगा और वो इन सबको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, कोई ना कोई क्लासरूम लेक्चर देगा, कोई कॉन्फ्रेंस करेगा, कोई केस स्टडी देंगे उसको, जैसे अब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो ना बिजनेस स्टडी में, ऐसी उनको कोई केस स्टडी दी जाएगी, ये आपका केस है, अब आप इसको स्टडी करिए और हमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। फिल्म दिखाई जाएंगी, टीवी शोज दिखाए जाएंगे, तो इस तरीके की जो चीज़ें हम करते हैं वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और थोड़े हाई लेवल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्लासरूम लेक्चर, इट इज़ सुटेबल टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर एंड मेथड्स, ये भी वो सिंपल है। इस और ये ऐसा ही नहीं मत समझो कि मैडम ये पर्टिकुलरली ऑफ द जॉब बड़ों के मतलब सीनियर लोगों के लिए है, सीनियर इन द सेंस हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। देखो अगर आप एज अ CA भी किसी फर्म में जुड़ते हो, चाहे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं गिने जाते हो, लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसीज आपको बतानी है तो थोड़ी ना आपको सीधा बिठा दिया जाएगा कि अपने रूल है, या तो आप खुद से पढ़ोगे वो भी ऑफ द जॉब होगा, या एक दिन एक सेशन ले लिया जाएगा सभी जो न्यू ज्वाइनी है, चलिए बैठिए, क्लासरूम लेक्चर हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गई और सारे रूल रेगुलेशन बता दिए। तो इट डिपेंड कि आपको कौन सी नॉलेज इम्पार्ट करनी है, तब आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका फिल्म शोज, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, केस स्टडीज दे दी जाती हैं। सो केसेस आर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस विच मैनेजर्स कन्फ्रंटेड वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। सो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस आपस में शेयर करते हैं। ट्रेनीज आर आस्क्ड टू स्टडी द केस, जैसे मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ट्रेनीज को एक केस दे दिया जाता है, दे आर आस्क्ड कि आप स्टडी कीजिए एंड क्या करिए, डिटरमाइन द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉडलिंग, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द रियलिटीज ऑफ जॉब्स आर इमिटेटेड एंड द ट्रेनीज गेट अपॉर्चुनिटीज टू फैमिलियराइज द सिचुएशन सो दैट दे विल बी एबल टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स इन रियल सिचुएशन। मीन्स जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगी, पूरा मॉडल ही कंप्यूटराइज हो जाएगा। आप उसके अंदर जैसे हम गेम वगैरह खेलते हैं, आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है, अब आप खुद डिसीजन ले रहे हो, तो अगर ऐसा कोई रियल लाइफ में सिचुएशन में आएगी तब आपको वो वाला एक्सपीरियंस काम आएगा। तो इसमें भी आजकल ऐसी है। सो एग्जाम्पल ले लीजिए, अ कंप्यूटर मॉडल कैन बी यूज टू टेस्ट हाउ सेफ द डिजाइन ऑफ द कार इज इन क्रैश, ठीक है, बिल्डिंग डिमोलिशन एटसेट्रा। तो इस तरीके की चीज़ें कंप्यूटर मॉडलिंग करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
ये वाली ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये आपके सिलेबस में भी है और इम्पोर्टेंट भी है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, जो हमारी वर्क प्लेस है ना, जिसपे हम रियल प्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल ऐसा एक डुप्लीकेट कंपनी क्रिएट कर देती है। डुप्लीकेट जब कंपनी क्रिएट कर देती है तो जो नए नए ट्रेनी आते हैं उनको पहले उस डुप्लीकेट वर्क में काम करवाती है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब इससे या तो बड़ी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए जिनके पास इतना फालतू पैसा हो या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का हो कि भाई हम एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रहे हैं कैंडिडेट्स को। अब इसके भी इम्पोर्टेंस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या, ये तो बहुत महंगी है, क्योंकि हर कंपनी ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स पे लोगों को काम कराते हैं, है ना, आपके वर्कर बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन पे काम करते हैं, तो ये वाली ट्रेनिंग काम करेगी। क्योंकि अगर आपकी गलती से मशीन खराब हो गई तो आपको उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जितना ट्रेनिंग में नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है कि वर्क प्लेस पे शोर शराबा होता है, बंदा अच्छे से सीख नहीं पाता, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में अच्छे से सीख जाता है, ठीक है। सब कुछ डिटो सेम सेम होता है, बस वो एक डमी है। सो हेयर रीड दी, इन दिस केस एन एक्चुअल वर्क सिचुएशन इज क्रिएटेड इन क्लासरूम, एम्प्लॉयज यूज द सेम मटीरियल एंड इक्विपमेंट फॉर ट्रेनिंग। सब कुछ सेम सेम है, बस वो एक डमी ट्रेनिंग है। इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं। मैंने आपको फायदे नुकसान दोनों बता दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो आपको बताने पड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको रीड कर लीजिएगा और अच्छी से समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जब, अगर आप में से कभी कोई क्या कहते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू बीकॉम वगैरह करता है, तो आपको जो बुक्स मिलती हैं, जैसे डीयू का बताई हूँ मैं, डीयू में जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसमें जो बुक्स मिलती हैं उसमें ऑलरेडी वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बनी होती है। कैसे होता है वो, कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सिंपल से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर दिए होते हैं, आप उसे पढ़ते हैं, एट द एंड क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मतलब अगर एक बंदा पढ़ना चाहे तो उससे आसानी से पढ़ जाता है, तो इसलिए इसका नाम है इंस्ट्रक्शंस विच इज प्रोग्राम्ड। और इस तरीके से वो बुक्स प्रोग्राम की जाती हैं कि एट द एंड बच्चे को पूरी नॉलेज हो जाती है और वो सक्सेसफुल हो जाता है अपनी पढ़ाई में। तो इसी तरीके से हम ट्रेनिंग के लिए भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग अ न्यू सब्जेक्ट टू द ट्रेनीज इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसी होती है, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं देन कॉम्प्लेक्स। सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के ये आपको डेफिनेशन दी हुई है कि ये वैसे ज़रूरी नहीं है, मैंने अगर आपको जो समझाया समझ आ गया है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ, एक सिस्टमेटिक मेथड है टीचिंग का। एंड इसके एडवांटेजेस क्या है कि ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, सेल्फ आपको पढ़ना है, इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो DU में, उसमें यही है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछेगा आपका सही है गलत है, उसके नीचे आंसर्स भी लिखे होंगे, आपको पता चल जाएंगे। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर ऑफ फॉर लर्नर, ठीक है, गलती भी कम होगी इसमें, क्योंकि ऑफ द जॉब चल रहा है सारा। सो ट्रेनी वर्क थ्रू प्रोग्राम्ड मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स हो चाहे कंप्यूटर प्रोग्राम हो, कोई भी हो सकता है, बाय देमसेल्व्स एट देयर ओन स्पीड, अपनी स्पीड से। भाई कई की स्पीड बहुत तेज होती है, वो जल्दी पढ़ लेते हैं, कई की धीरे धीरे होती है, तो उस हिसाब से। एंड आफ्टर ईच स्टेप टेस्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन बाय आंसरिंग सम क्वेश्चन, और उसके बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। आपके सिलेबस में तो आपको NCERT में नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको बताया वही मिलेंगे। जैसे मैंने उस पहले वाले में ऑन द जॉब में क्या बताया आपको, अप्रेंटिसशिप बताया, ठीक है, और इंटर्नशिप बताया, और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। ये फिर भी कई केस ऑफ द जॉब में कई बार ना दो मेथड पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, एक नंबर में कुछ भी आ सकता है। सो ऑन द जॉब के ये थोड़े से, ये वही जो हमने अभी बताया है, ये आप उसका स्नैपशॉट है कि ऐसे ऐसे होता है, अप्रेंटिसशिप है, कोचिंग है, इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन, ये सब आपको समझा दिया गया है, बस दैट्स इट। इसके बाद मैं आपको केस स्टडी कराती हूँ अभी,
तो केस स्टडी करने के बाद आप लोगों को अपने आप से भी केस स्टडीज करनी है, ठीक है? तो चलिए केस स्टडीज करते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट केस स्टडी है ब्लू हेवंस लिमिटेड परचेज्ड अ न्यू हाईटेक मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस द मैनेजर ऑब्जर्व दैट द क्वालिटी ऑफ production was not as per standard. On investigation, it was found that there was a lack of knowledge among the employees of using these high-tech machines. So, frequent visit of engineers was required from Germany. This resulted in high overload charges. Suggest what can be done to develop the skills and abilities of employees for producing high-quality products by using these high-tech मशीन्स। मशीन खरीदी है लेकिन बार बार क्या हो रहा है, शायद इम्प्लॉयज हमारे उस मशीन पे काम नहीं कर पा रहे और हम बार बार जर्मनी से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। तो आप क्या सजेशन दोगे? आपका सजेशन तो यही होना चाहिए कि आपको क्या करानी चाहिए, कंपनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे तो उनकी क्या हो जाएगी, स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी। सो आपका सजेशन क्या है, ट्रेनिंग। और नाउ आगे वो बोल रहा है एंड ऑल्सो स्टेट हाउ द एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट, मीन्स हमें इसके एडवांटेजेस लिखने हैं। तो थ्री एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय, आप कोई भी लिख सकते हैं बिकॉज इसमें क्या पे लिखा है और, ठीक है? तो एम्प्लॉयज, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, एम्प्लॉयज का मॉरल बूस्ट होता है, एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इम्पॉर्टेंट फील करता है वो ऑर्गेनाइजेशन में। एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, उसका टर्नओवर कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, राइट? सो इसी तरीके से हमारी दूसरी वाली केस स्टडी है, दिस इज मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रोच्ड अ वेल एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ मदुरई to recruit qualified personnel for various technical and professional jobs. They selected Tanya, Ritu, Garima and Chetan for various vacancies in the organization. After the selection and placement, Moga Industries Limited felt the need to increase the skills and abilities. देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पहले उन्होंने बेस बना दिया, बोल रहे कि इनकी स्किल्स और एबिलिटीज को इंक्रीज करना है और हमारे पास एकलौता साधन क्या होता है, ट्रेनिंग। And development of positive attitude of the employees to perform their specific jobs better. The company also realized that learning new skills would improve the job performance of the employees. ये क्या होता है, ये आपको benefit दिखा रखा है कि ये learning अगर हम करते हैं तो हमारी improve हो जाती है job performance. Hence the company decided to take the action for the same. Now name the step of staffing process. जो training and development है ना, वो बच्चे staffing process, अगर आपको पहला video याद हो जो last week बना था, उसी का ही तो एक step होता है। और state the benefit of the action to Moga Industry Limited, क्या है training के benefit, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो Moga यानी कि training के benefit from the point of view of the ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यही लिखा है, इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस, रिड्यूसेस द एम्प्लॉय टर्नओवर, मोटिवेट द एम्प्लॉयज, हाई मोटिवेशन, इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट आफ्टर पासिंग हिज सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन डेविड लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15 ईयर्स and started getting training under his father. Father के अंदर training ली। इसके father कौन है? His father a renowned electrician had worked for many companies. He every day started accompanying his father on work and watch him carefully while working. David was a good learner and learned the techniques of works quickly. So now his father started passing on the tricks of trade to David. अब उन्होंने tricks of trade भी देना शुरू कर दिया David को. With the passage of time, David acquired क्या acquire कर लिया? High level skills and become a well-known electrician in Indore. So big business houses started calling him for electrical wiring. So name the method. कौन सा method training मिक्का डिस्कस हुआ है? मैंने आपको बताया था दो होते हैं मेन, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप तो थोड़ा अबव लेवल की हो गई, ये इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग थी। तो कौन सी ट्रेनिंग हो गई है? अप्रेंटिसशिप, जिसके अंदर हम डायरेक्टली सुपरवाइजर के अंदर काम करते हैं, वो हमें गाइड करता है।
थ्री बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट मिलेंगे उसको? एक तो वो ट्रेंड हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, फर्दर वो औरों को भी ट्रेनिंग दे पाएगा। इस तरीके से आपको जो ट्रेनिंग बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं, या ट्रेनिंग के बाद एक एम्प्लॉई के अंदर जो बेनिफिट आते हैं, जो आपकी बुक्स में भी लिखे और हमने भी डिस्कस किया, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रमेश हैज बीन वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हरीश अ कारपेंटर, कारपेंटर के अंदर काम करना है, फॉर द लास्ट 3 years टू लर्न द डिफरेंट स्किल्स ऑफ हिज ऑफ दिस जॉब, नेम द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, 1 mark का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसी ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडी है इसकी, मनु अ चीफ मैनेजर इन अ कंपनी यूजिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट। जब भी ये वर्ड आ जाएगा ना, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन है भाई, तो हम कभी भी ऑन द जॉब रिकमेंड नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं ऑफ द जॉब करो, क्योंकि हमारी सोफिस्टिकेटेड मशीन खराब हो जाएंगी। और वो क्या चाहता है, एंड वॉन्ट्स दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी फुली ट्रेंड बिफोर यूजिंग द मशीन एंड इक्विपमेंट, और चाहता है कि उसके एम्प्लॉय पूरे के पूरे इक्विप हो जाए। सो सजेस्ट करिए आप द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, हमेशा ऑफ द जॉब होगा, और ऑफ द जॉब में कौन सा पिक करोगे, वेस्टिब्यूल, कंपनी अच्छी है ना, तो हाईली सोफिस्टिकेटेड। अब कैसे पता चलेगा, अब हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन अगर वो यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी भी बढ़िया होगी, है ना, तो हम इसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देंगे। इस तरीके से 1 mark के क्वेश्चन आपको आते हैं, और इसी के साथ आपका जो स्टाफिंग चैप्टर है बेटा वो हो गया है कंप्लीट। आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, वो स्टाफिंग चैप्टर के आप क्वेश्चंस जो MCQ हैं वो करके मुझे स्क्रीनशॉट उसी पे आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं NCERT के क्वेश्चन वो सब आप कंप्लीट कर लीजिए। रीडिंग हैबिट डालिए, रीडिंग जितना करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक में होगा। थैंक यू।